हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू सीबीएसई ऑनलाइन ऑडियो वीडियो लेसेंस माई सेल्फ सुमन गुप्ता यू हिंदी टीचर फ्रॉम सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई हाईस्कूल सीबीएसई वसई चिल्ड्रन टुडे वी विल रिवाइज हिंदी ग्रामर फॉर क्लास फिफ्थ लेसन नंबर ट्वेल्व लेसन नेम अविकारी शब्द पार्ट थ्री नेम समुच्चय बोधक बच्चों अविकारी शब्द जिसके अंतर्गत हमने पुनः दोहराया क्रिया विशेषण पहला भेद दूसरा संबंध बोधक तीसरा समुच्चय बोधक जिसे कंजक्शन भी कहा जाता है अंग्रेजी में आज हम ये पाठ पुनः दोहराएंगे उदाहरण देखिए बच्चों तुम्हें बाजार जाना है या पार्क में जाना है मैं और माधव खेलने जा रहे हैं इन वाक्यों में या और, और शब्द दो शब्दों और दो वाक्यों को मिला रहे हैं ये समुच्चयबोधक शब्द हैं इसे योजक भी कहा जाता है इस प्रकार दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक बोधक अथवा योजक कहते हैं तो समुच्चयबोधक बोधक क्या बताते हैं दो शब्दों को वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कुछ अन्य समुच्चयबोधक बोधक शब्द जैसे लेकिन परंतु किन्तु यद्यपि तथापि क्योंकि की ताकी जो की मगर एवं तथा बल्कि पर तो अन्यथा अथवा आदि तो ये सब क्या है समुच्च बोधक शब्द हैं कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों कोई कहानी अथवा कविता लिखिए यहाँ देखिए कहानी और कविता के बीच में अथवा आया है इसने जोड़ा है कहानी और कविता शब्दों को तो ये क्या है समुच्चय बोधक शब्द है इसी प्रकार अन्य उदाहरण पुलिस जोड़ से भागी परंतु उसे पकड़ ना सकी तो यहाँ पर भी दो वाक्यों को जोड़ा है परंतु शब्द ने तो परंतु क्या है समुच्चय बोधक शब्द है तेज चलो ताकि गाड़ी पकड़ सको तो यहाँ भी दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है ताकि तो ये क्या है समुच्चय बोधक शब्द जिसे हम योजक भी कहते हैं तो बच्चों समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों वाक्यांशों यानी कि वाक्य का अंश पूरा वाक्य नहीं और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं और इसे एक और नाम से जाना जाता है योजक तो बच्चों इसको आप एक बार पुनः ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे बच्चों धन्यवाद